दो से चार के बीच ही क्यों, अब सुन रखा है कि सारी बुरी शक्तियां दो से चार के बीच सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जय सिया राम। आज हम आपके लिए एक छोटी सी बच्ची की आश्चर्यजनक कहानी लेके आए हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। पिछले एक महीने से मेरी 11 महीने की बेटी हर रात ठीक 2 बजे उठती और फिर लगातार रोती रहती। भले ही हम कितना ही कोशिश करें चुप कराने की, लेकिन वो 4 बजे तक बस रोती और किलसती रहती। बेटी बहुत खुशनुमा है मेरी। पड़ोसी भी कहते हैं कि कभी लगा नहीं कि आपके यहाँ इतना छोटा बेबी है। वो रोती नहीं है, हमेशा हंसती रहती है, इसलिए रोना उसका और भी आश्चर्यजनक था। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रोज का रूटीन हो गया तो ध्यान चला गया। दो से चार के बीच ही क्यों, अब सुन रखा है कि सारी बुरी शक्तियां दो से चार के बीच सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, और 4 बजते ही उसका सो जाना कहीं ना कहीं इस बात की सत्यता पर संदेह डाल रहा था। मैंने उसको सुलाने से पहले हर रात हनुमान चालीसा का पाठ उसके कानों में पढ़ना शुरू किया, और उसने रात को बिल्कुल ही उठना बंद कर दिया। अभी 2-4 दिन पहले मैं बहुत थक गई और हनुमान चालीसा पढ़ना भूल गई। उसी रात फिर बेटी 2 बजे उठकर बैठ गई और रोने लगी। मैंने उसी वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। नींद में थी तो पूरी पढ़ भी नहीं पाई, और वो भी सो गई और मैं भी सो गई। अब मुझे नहीं पता कि इत्तफाक है या चमत्कार, पर अनुभव किया है मैंने हनुमान चालीसा को कई बार। देखा आपने, यही तो है हनुमान जी, और यही तो है हनुमान चालीसा की शक्ति। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय सिया राम।